नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। ईडी की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और सहयोगी सुरेंद्र की संपत्ति जब्त, 17,82,00,000 की संपत्ति हुई जब्त। इंडी गठबंधन की रैली पर सीएम सैनी की आई प्रतिक्रिया, सीएम नायब सैनी ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोले यह रैली देश के विकास या उन्नति के लिए नहीं। लोकसभा चुनावों से पहले आपको झटका, पूर्व जिला परिषद ने पार्टी को कहा अलविदा, चेयरमैन प्रवीण चौधरी ने छोड़ी पार्टी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और सहयोगी सुरेंद्र उर्फ चीकू के परिवार के सदस्यों के खिलाफ चंडीगढ़ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 17,82,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर और सहयोगी सुरेंद्र उर्फ चीकू के परिवार के सदस्यों की नकदी, बैंक खाते की शेष राशि और जमीन के रूप में नारनौल हरियाणा और जयपुर राजस्थान में स्थित 17,82,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 10 साल में यह पहली बार है कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याएं हल हो रही हैं, बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विकास हुआ है, दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है और गरीबों तक लाभ पहुँचाया गया है। सीएम ने आगे कहा कि यह सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं और गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम बनाने में हरियाणा बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तेज गति से कार्य कर रही है। वह इंडिया ब्लॉक की महारैली पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि यह रैली देश के विकास या उन्नति के लिए नहीं है, यह भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार में शामिल होने देने के लिए है। देश की जनता सब समझती है, ये सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार होता है देश का विकास प्रभावित होता है और गरीब प्रभावित होते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण चौधरी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि पूर्व जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। फिलहाल उन्होंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, लेकिन संभावना ये भी है कि प्रवीण चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पूर्व जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण चौधरी मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आपने उन्हें पंचायती राज प्रकोष्ठ का उत्तरी हरियाणा का अध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया था, लेकिन पार्टी संगठन में विचारों के तालमेल की वजह से उन्होंने एक साल से पार्टी से दूरियां बना ली थी, जिसके बाद आज उन्होंने औपचारिक तौर पर पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रवीण चौधरी थानेसर विधानसभा से 2019 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का हिस्सा रहे वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर नवदीप जलबेड़ा और उसके साथी गुरकिरत की आज 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई है। इसके बाद आज पुलिस ने नवदीप और गुरकिरत को अम्बाला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने नवदीप को एक और दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं गुरकिरत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किसान आंदोलन से जुड़े वाटर कैनन बॉय के नाम से जाने वाले नवदीप जलबेड़ा और उसके साथी गुरकिरत को आज अम्बाला पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच 2 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने कोर्ट से नवदीप की 4 दिन की फिर से पुलिस रिमांड देने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नवदीप को विदेश से फंडिंग आई है, जिसका उन्हें शक है। वहीं गुलेल फॉर्च्यूनर की आग से चंडीगढ़ से रिकवर करने और राजस्थान से नवदीप के साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाने का ग्राउंड रखा, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड नामंजूर करते हुए नवदीप को 1 दिन के लिए दोबारा पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके अलावा गुरकिरत को कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिग बॉस ओटीटी 2 विनर और यूट्यूबर अल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्विश यादव पर फिर से एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें उनके साथ
हरियाणवी सिंह और फाजिल पुरिया का नाम भी शामिल है। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने एलविश यादव और हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया पर मामला दर्ज किया है। गाने में सांपों के प्रति क्रूरता करने के मामले में गुरुग्राम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस ने कार्रवाई की है। गाने की शूटिंग में सांपों के प्रति क्रूरता करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले कोर्ट ने पीपल फॉर एनिमल NGO के मेंबर और शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 32 बोर की शूटिंग के दौरान गाने की शूटिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के सांपों को अवैध रूप से प्रयोग किया गया, साथ ही इन्हें गले में डालकर शूटिंग भी की गई। अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित मोड़ा अनाज मंडी में समागम में हरियाणा और पंजाब के किसान नेता पहुंचे। वहीं शंभू बॉर्डर पर अमृतसर के 31 वर्षीय दया सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। समागम में किसान नेता सरवन सिंह पंदे ने अगले कदम को लेकर पूछे सवाल में कहा कि पूरे देश में कलश यात्रा और शहीदी समागम करवाए जाएंगे। बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंदे ने कहा कि पूरे देश में कलश यात्रा और शहीदी समागम करवाएंगे, मोर्चा इसी तरह से चलता रहेगा। यह भी रणनीति का नया हिस्सा है कि देश में नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा और नई सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि हम किसान मजदूर का झंडा टैग करवाएंगे, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे सरकार वाले होंगे, मोर्चा यूं ही चलता रहेगा। तीन दिनों के भीतर कुरुक्षेत्र जिले में 1050 से अधिक पौधों की बरामदगी के साथ पोस्ट की खेती के दो मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA2 यूनिट और एंटी नारकोटिक सेल ने जिले में अलग अलग छापेमारी की और बिना अनुमति के पोस्ट के पौधे उगाने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुमठा निवासी शीश सिंह के रूप में हुई है और कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता नरेश संग्रवाल ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस की CIA2 इकाई की एक टीम ने शीश सिंह के घर पर छापा मारा और 29.6 किलोग्राम वजन के 606 अफीम के पौधे बरामद किए गए। इन पौधों की बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रूपए है। पेहवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा एंटी नारकोटिक सेल की सूचना मिली कि कुलदीप सिंह अपने आवास पर अफीम की खेती कर रहा है। छापेमारी की गई और 2.5 किलोग्राम वजन के 450 अफीम के पौधे बरामद किए गए। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरकार द्वारा सरसों खरीद आड़तियों के माध्यम से ना करने को लेकर प्रदेश भर के आड़तियों में सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कल से आड़ती अनाज मंडी को बंद कर हरियाणा की सभी मंडियों के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। गोहाना के आड़तियों ने कहा कि सरकार आड़तियों को बर्बाद करना चाहती है। आड़तियों के माध्यम से अगर फसलों की खरीद नहीं होगी तो प्रदेश भर की मंडियां बंद हो जाएंगी और आड़ती बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकार द्वारा सरसों की खरीद मंडी के आड़तियों के माध्यम से ना करने के निर्णय से आड़तियों और किसानों में बड़ी भारी नाराजगी है। सरकार की ओर से सरसों खरीद आड़तियों के माध्यम से ना करने के विरोध में 1 अप्रैल से हरियाणा की सभी मंडियों के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने की बजाय आड़तियों की आड़त खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सरसों की खरीद आड़तियों के माध्यम से नहीं की तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। भिवानी के गांव देवसर के समीप एक गद्दा फैक्ट्री में आज दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक आग लग गई। गद्दा फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर जुटी और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर आग इतनी भयानक तरीके से धुधक चुकी थी कि करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में सिर्फ काला ही धुआं दिखाई दे रहा था। देवसर गांव के समीप लगी गद्दा फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करते रहे, मगर आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। गद्दा फैक्ट्री के पास ही अन्य उद्योग भी चल रहे हैं, जिनमें काम करने वालों ने भी बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर आग दोगुने वेग से प्रचंड होती चली गई है और वहीं अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आग की घटना के बाद चुईकला पुलिस थाना की टीम भी मौके पर जुटी हुई है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।